भोपाल पुलिस ने 30,000 के इनामी कुख्यात बदमाश पप्पू चटका को गोवा से गिरफ्तार किया है। पप्पू चटका ने 5 सितंबर को चाकू से गोद कर शाहिद नाम के युवक की हत्या कर दी थी। तब से ही पप्पू फरार था। टीटी नगर थाने की पुलिस पप्पू को लेकर भोपाल के लिए रवाना हो चुकी। भोपाल से मुकेश सिंह की रिपोर्ट। टीटी नगर थाना क्षेत्र में जो अभी पिछले कुछ समय पहले जो मर्डर हुआ था, उसमें जो आरोपी जो जिसका नाम सामने आया था पप्पू चटका, उसको हमने गोवा से गिरफ्तार किया है। अब उसमें हम लोग उसमें पूछताछ करेंगे और जांच करेंगे। उसमें गोवा में सर कैसी लोकेशन इसकी मिली, क्या कोई वो टेक्निकल बेसिस पे हम लोगों को मिली थी। हमारे पास मुखबिरी से सूत्र था कि यहाँ से एक व्यक्ति के साथ में ये भागा है और इसकी गोवा में लोकेशन है। गोवा में ऑलरेडी एक भोपाल का जो शख्स है इसकी जान पहचान का, उसने इसको शह दी थी, उसके यहाँ ही रुका हुआ था। उसको भी आरोपी बनाया जाएगा? नहीं, उसको आरोपी अभी वो जाँच का इशू है, उसमें हम देख रहे हैं कि क्या जाँच में देखा जाएगा कि इसने क्या किस इंटेंशन से इसको साथ में लेके गया था, क्या है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।